ओके सर। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटे माइटोकॉन्ड्रिया, किस चीज की डिस्कशन कर रहे हैं? आज हमारे पास डिस्कशन है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली है बेटा मेरे पास पावर हाउस ऑफ द सेल। सुनते रहना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है? पावर हाउस होने का मीनिंग क्या है? पावर हाउस होने का मतलब ऐसा प्लेस जो सेल को, जो कंप्लीट सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है? पावर प्रोवाइड कर रहा है, दैट वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। एक टर्म जो आपने याद रखनी है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। कौन सी टर्म है बेटा? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होती है बेटे एटीपी। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है? एटीपी। तो दो चीजें इस टॉपिक में से मेन आपसे पूछी जा सकती हैं। पहली चीज, सेल का पावर हाउस कौन है? तो आप क्या कहोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन है? आप कहोगे एटीपी। क्लियर है? एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान से सुनना बेटे, एटीपी के फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब भी हम लोग या एक सेल में एटीपी, एटीपी का मीनिंग होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ध्यान रखनी है आपने, एटीपी क्या था? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब भी आप एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड कर देंगे हम, when there is addition of one phosphate, note down करते रहे ना, one phosphate in the ADP, क्या होगा बेटा? ADP में जब भी आप एक फॉस्फेट को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ गए? एटीपी प्लस पीआई फॉर्म्स एटीपी। अब कोई पूछे भैया एटीपी की यूसेज क्या है? किसकी यूसेज पूछे? एटीपी का यूज क्या है? एटीपी जो है वो बेटा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। राइट डाउन करो, एटीपी प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स फॉर्मेशन एंड फॉर द मैकेनिकल वर्क। एटीपी का फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। क्या करना बेटे? एनर्जी प्रोवाइड करना। एटीपी का बेसिक फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। किस किस के लिए? पहली चीज, केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए।
एटीपी का पहला फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना, किसकी फॉर्मेशन के लिए? केमिकल कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, प्लस प्लस सेकंड फंक्शन क्या है इसका? सेकंड फंक्शन है केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी तो दे ही दी इसने, सेकंड फंक्शन है एनर्जी देगा फॉर डिफरेंट मैकेनिकल वर्क, डिफरेंट मैकेनिकल वर्क के लिए भी ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इतना ध्यान रहेगा बेटे। क्या पढ़ते हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया का हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है यहां तक तो? स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर जैसे हमारा स्ट्रक्चर है बेटा, एक नाक है, दो कान है, दो आंखें हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का भी स्ट्रक्चर है, ऐसे ही किसका भी स्ट्रक्चर है? माइटोकॉन्ड्रिया का भी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, जो क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया है, वो क्या करेगा बेटा? इसके स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट लिखोगे ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात आ गई, ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लियर है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर और एक इनर। एक आउटर मेम्ब्रेन रहेगी और एक इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है? आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस रहेगी, पोरस का मीनिंग होता है उसमें होल्स रहेंगे, छेद रहेंगे, जिनसे जिन पोर्स से पोरस रहेगी, दैट इज वहां पर फोर्स प्रेजेंट होंगे, इन पोर्स से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल पॉसिबल है। क्या चीज पॉसिबल है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। क्लियर है? इनर मेम्ब्रेन कैसी है? इनर मेम्ब्रेन है मल्टीपल फोल्ड्स के साथ। इनर मेम्ब्रेन किसके साथ है? मल्टीपल फोल्ड्स के साथ है। क्लियर है? राइट डाउन करो बेटा, द आउटर मेम्ब्रेन इज porous in the nature, and the inner membrane has multiple folds. These multiple folds provide larger surface area for ATP generation reactions. Clear है? जो ये folds हैं, ये क्या provide करते हैं? Larger surface area provide करते हैं। इतना ध्यान रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की एक और खास बात आपने ध्यान रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ये बात ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन, माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड
राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए भी है और राइबोसोम भी है, ये बात ध्यान रखना। ये थे आपके पास ऑर्गेनली माइटोकॉन्ड्रिया। कल हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनली प्लास्टिड एंड वैक्यूल के बारे में, क्लियर है।